दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित करवाया, जिनका नाम 80 के दशक में बॉलीवुड की तमाम खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट में सबसे पहले आता है, जिनकी खूबसूरती और अभिनय के दीवाने करोड़ों की संख्या में आज भी मौजूद हैं। जितनी सफलता उन्होंने अपने अभिनय करियर से हासिल की, वास्तव में उनकी जिंदगी उतनी ही दर्द भरी रही। आए दिन वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी रहीं और जिन्हें आज सारी दुनिया प्यार करती है, वो अपनी पूरी जिंदगी अपने सच्चे प्यार के लिए तरसती रहीं। बात करेंगे सलाम इश्क, मेरी जान जैसे कई खूबसूरत गानों में अपनी मस्तानी आंखों और बेहतरीन अदाओं से जान फूंकने वाली अदाकारा रेखा जी की। दोस्तों यूं तो रेखा जी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी उनके दीवाने आज भी मौजूद हैं और उनकी खूबियों की जितनी तारीफें की जाएं उतनी कम है। उन्होंने अपने करियर के दौरान प्रेमिका, पत्नी, माँ और दादी का भी किरदार निभाया। इतना ही नहीं, वो अपने समय की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना भी रह चुकी हैं। बात करें उनकी प्रमुख फिल्मों की तो उन्हें मुकद्दर का सिकंदर, उमराव जान, खूबसूरत, सिलसिला और खून भरी मांग जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। इन सभी फिल्मों में अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया, जिसे भूल पाना नामुमकिन है। आज भले ही उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया हो, लेकिन उनके प्रशंसक आज भी उन्हें याद करते हैं। आप सबने रेखा जी को फिल्मों में अभिनय करते हुए हंसते, मुस्कुराते और रोते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा की निजी जिंदगी कैसी थी? आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन क्यों आज अपनी जिंदगी में अकेलापन देख रही हैं? क्यों नहीं मिला उन्हें बचपन से ही अपने पिता का प्यार? क्यों नहीं मिला उन्हें उनका सच्चा हमसफर? क्यों जिंदगी भर वो अपने सच्चे प्यार के लिए तरसती रहीं? अपने करियर के दौरान किन किन अभिनेताओं के साथ रहा उनका अफेयर? कौन थी उनकी सच्ची मोहब्बत? क्यों कहा जाता है उन्हें अपनी माँ की नाजायज बेटी? और भी बहुत कुछ जानने के लिए आपको सिर्फ हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज हम रेखा जी की जिंदगी की पूरी कहानी आपको टीवी पत्रकार और लेखक यासर उस्मान द्वारा लिखित रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के आधार पर बताएंगे, जिसकी एक एक बात रेखा द्वारा कही गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं है, तो बने रहे हमारे साथ। लेकिन जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं रेखा के प्रारंभिक जीवन से। तो उनका जन्म 10 अक्टूबर 1950 को चेन्नई, भारत में हुआ था। उनका जन्म नाम भानु रेखा था, जो बाद में बदलकर रेखा हो गया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की। वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखती थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कभी भी अभिनय करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देख उन्हें मजबूरन अभिनय करना पड़ा। रेखा ने बताया कि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें अभिनय करने के लिए मजबूर किया, जिस वजह से उन्होंने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय कर अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1966 में आई फिल्म रंगुला रतलाम से की, जो कि एक तमिल फिल्म थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आईं। इसके बाद उन्होंने कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999। फिल्म में रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए और इस फिल्म में रेखा के काम को दर्शकों ने बेहद पसंद किया, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड की फिल्में भी ऑफर होने लगी। उन्होंने बॉलीवुड में 1969 की फिल्म अनजाना सफर से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि किसी कारण से ये फिल्म लंबे समय के लिए टल गई और इसके बाद उन्होंने 1970 में फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई और लोग उन्हें जानने लगे। उनको असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। फिल्म में रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकंदर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीबी हो तो ऐसी, राम बलराम, क्रिश, सदियां, सुपर नानी, अगर तुम ना होते, उत्यव, इजाजत, भ्रष्टाचार, फूल बने अंगारे समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों में रेखा ने अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन कर खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है।
फिल्म उमराव जान उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आईं जो कि काफी हिट हुईं। लेकिन सन 2000 में आते आते उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, जिसके बाद वो कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। वे फिल्म बुलंदी और 2001 में आई फिल्म लज्जा में नजर आईं, जिसके बाद उन्होंने राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की माँ के किरदार को निभाया, जिसमें उनके किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद भी किया और उनके अभिनय के लिए उन्हें बेहद सराहा गया। इसके अलावा वो फिल्म परिणीता में एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आईं। बता दें कि रेखा ने अपने 50 साल के करियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले। उन्होंने 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। इतना ही नहीं, उन्हें फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। उनको अपने फिल्मी करियर के दौरान कई दफा प्यार हुआ, जिनके चर्चे लगातार सोशल मीडिया पर होते रहे। 1970 फिल्म सावन भादो की शूटिंग के दौरान फिल्म के अभिनेता नवीन निश्चल और रेखा को एक दूसरे से प्यार हो गया। उन दिनों फिल्मी मैगजीन में आए दिन उनके अफेयर की खबरें छपती रहती थी। हालांकि नवीन एक मनमौजी इंसान थे और कुछ ही समय में उनका दूसरा अफेयर भी शुरू हो गया और जब रेखा को नवीन के दूसरे अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने नवीन से दूरियां बना ली, जिसके बाद रेखा की जिंदगी में अभिनेता जितेंद्र की एंट्री हुई। हालांकि जितेंद्र की लाइफ में पहले से ही उनकी गर्लफ्रेंड शोभा थी, लेकिन उन दिनों शोभा अपनी जॉब के चलते विदेश में रहती थी और इसी कारण जितेंद्र और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने एक बेचारा नाम की फिल्म में साथ काम किया। फिल्म की शूटिंग शिमला में हुई और इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और कई जगहों पर एक साथ देखे जाने लगे। एक तरफ दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे तो दूसरी तरफ जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था और इसी वजह से रेखा और जितेंद्र के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी और इसी वजह से जितेंद्र की जिंदगी से रेखा हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और इसके बाद रेखा की जिंदगी में अभिनेता किरण कुमार का आना हुआ, लेकिन किरण से भी उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और दोनों में नजदीकियां बढ़ने से पहले ही दूरियां आ गईं। कुछ साल यूं ही फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद रेखा की जिंदगी में अभिनेता विनोद खन्ना की एंट्री हुई। हालांकि रेखा से मिलने से पहले विनोद पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे, लेकिन उनकी दोनों ही शादियां असफल रहीं और उन्होंने अपनी दोनों ही पत्नियों को डाइवोर्स दे दिया था। विनोद और रेखा के बीच फिल्मों में काम करने से नजदीकियां लगातार बढ़ने लगी और देखते ही देखते रेखा विनोद के प्यार में पागल हो गईं। उस समय रेखा को लगा कि अब उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल गया है और वो सातवें आसमान पर उड़ने लगी थी। रेखा की जिंदगी पर लिखी गई किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक रेखा और विनोद ने एक दूसरे से शादी भी की थी और जब विनोद ने रेखा को अपनी माँ से मिलवाया तो उन्होंने रेखा को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें बिन ब्याई माँ की बेटी कहकर धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि उस दौरान विनोद वहीं खड़े थे और उन्होंने अपनी माँ से एक शब्द भी नहीं कहा, जिसके बाद रेखा चुपचाप वहां से चली गई और उन्होंने उस दिन होटल में पूरी रात अकेले बिताई और रेखा से विनोद का ये रिश्ता भी टूट गया। और इस रिश्ते के टूटने से रेखा भी पूरी तरह से टूट गई थी और उनका मन रिश्तों और प्यार से पूरी तरह से हट गया था। हालांकि उन्होंने कभी शादी को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हमेशा विनोद को अपना एक शुभ चिंतक ही बताया। चलिए अब आपको सुनाते हैं बॉलीवुड की एक अमर प्रेम कहानी, जिसे आज तक का बॉलीवुड का सबसे अधिक चर्चित प्रेम संबंध माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम किसी और की नहीं बल्कि रेखा और अभिनेता अमिताभ बच्चन के बारे में ही बात कर रहे हैं। हालांकि रेखा से मिलने से पहले अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों के अफेयर की खबरें उस दौरान आए दिन सुर्खियों में बनी रहीं। खबरों की माने तो फिल्म दो अनजाने में साथ काम करने के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और इसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्मों में एक साथ काम किया। उस दौरान कई सालों तक इनके अफेयर की खबरें न्यूज़पेपर की हेडलाइन की शोभा हुआ करती थी। हालांकि इस अफेयर को लेकर अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन काफी परेशान रहती थी और जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियों के सामने कुंवारी रेखा मांग में सिंदूर सजाकर आईं तो नीतू के साथ हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो गया और उस रात शादी में ये खबर फैल गई कि रेखा ने अमिताभ के साथ शादी कर ली है। हालांकि उस दिन रेखा ने अपने सिंदूर को सिर्फ फैशन बताया। इसके कुछ ही दिनों बाद जया ने रेखा को डिनर पर इन्वाइट किया। उस दौरान अमिताभ फिल्म की शूटिंग के लिए इंडिया से बाहर गए हुए थे। हालांकि रेखा जया के घर तो चली गई, लेकिन मन ही मन वो उनसे मिलने से डर रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जया ने उन्हें अपनी भड़ास निकालने के लिए वहां बुलाया है। लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दोनों ने बहुत अच्छे से एक साथ डिनर किया। जब रेखा घर जाने लगी तो जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी।
दोनों कुछ देर खामोश रहे और इसके बाद रेखा अपने घर चली गईं। उस दिन उनको समझ आया कि अमिताभ उनके कभी नहीं थे और ना ही कभी हो पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान जया, अमिताभ और रेखा ने एक साथ काम किया। शूटिंग के वक्त जया और अमिताभ दोनों एक साथ घर से आते थे और एक साथ ही घर जाते थे, जिस वजह से अमिताभ रेखा को इग्नोर करने लगे और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। और इसी बीच फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ एक हादसे का शिकार हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए। जब रेखा को इस बात का पता चला तो वो अमिताभ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई, लेकिन जया बच्चन वहीं मौजूद थी और उन्होंने रेखा को अमिताभ से मिलने नहीं दिया। उस दिन रेखा बहुत बुरी तरह से टूट गई और उन्होंने धीरे धीरे अमिताभ से दूरियां बनानी शुरू कर दी। इस किस्से के 2 साल बाद रेखा ने इंटरव्यू में बताया कि उस दिन मुझे मौत मंजूर थी, लेकिन ये बेबसी मुझसे सहन नहीं हुई थी। अब रेखा ने अपने काम को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वो लगातार फिल्मों में काम करती रहीं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहीं। कुछ समय बाद रेखा की जिंदगी में अभिनेता राज बब्बर का आना हुआ और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन जब रेखा ने उनसे शादी की बात की तो उन्होंने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया और इस तरह एक बार फिर से रेखा का दिल टूट गया। हालांकि रेखा की निजी जिंदगी का उनके काम पर कभी कोई असर नहीं पड़ता था। वो दुखी थी लेकिन उन्होंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। इस तरह लगातार उनका दिल टूटता रहा और वो काम करती रहीं। सन 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। फिल्म में रेखा ने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय और रेखा के अफेयर की खबरों ने बेहद सुर्खियां बटोरी। लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो दोनों ने ही इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के समय जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो फिल्म के अभिनेता विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस किया। रेखा ने विश्वजीत को खुद से दूर हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और ये सीन लगभग 5 मिनट तक रेखा की मर्जी के खिलाफ चलता रहा। इस दौरान वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजा रहे थे और रेखा की आंखों में आंसू थे। कहा जाता है कि इसी वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इस पर रेखा का कहना था कि ये सब डायरेक्टर और एक्टर की मिलीभगत थी, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और रेखा उस दौरान नाबालिग थी और इस किसिंग सीन के बारे में रेखा को पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए ये बात फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई, जिसके बाद उन्हें और फिल्म अभिनेता विश्वजीत चटर्जी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। अब चलते हैं उनके पारिवारिक जीवन की ओर। तो उनके पिता का नाम रामास्वामी गणेशन उर्फ जेमिनी गणेशन था, जो कि अपने दौर के एक महान कलाकार थे। उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा रेखा की माँ का नाम पुष्पा वाली था, जो कि अपने जमाने की एक बेहतरीन अदाकारा थी। रेखा के पिता पहले मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन फिल्मों की तरफ लगाव होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो अपने समय के हैंडसम और बेहतरीन कलाकारों में से एक थे और इसी वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनकी मुलाकात एक्ट्रेस पुष्पा बली से हुई। दोनों ने फिल्म में साथ काम किया और इसी बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि पुष्पा बल्ली से मुलाकात के पहले ही वो शादीशुदा थे। दोनों ने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन उस दौरान उनके अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी और पुष्पा बल्ली एक बेटी की बिन ब्याई माँ बन गई। और वो बेटी और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक जानी पहचानी अदाकारा रेखा जी हैं। रेखा के पिता ने पहले TR बॉबिस्मा अलमेलू से शादी की थी और उनके 4 बच्चे थे, जिनके नाम रेवती स्वामीनाथन, कमला सेल्वराज, द टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार नारायणी गणेशन और जया श्रीधर हैं। इसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी अभिनेत्री सावित्री से की, जिनसे उनके 2 और बच्चे हुए, एक फिटनेस विशेषज्ञ विजया चामुंडेश्वरी और सतीश कुमार। इस बीच रेखा की मां पुष्पा बल्ली के 2 बच्चे उनकी पहली शादी से हुए। बता दें कि उनके हस्बैंड का नाम वकील IV रंगाचारी था। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रेखा के अलावा गणेशन और पुष्पा बल्ली की एक और बेटी थी, जिसका नाम राधा है। नागप्रसाद और अभिनेत्री शुभा उनके चचेरे भाई हैं, जबकि वेदांतम राघवैया और उनकी पत्नी सुप्रभा क्रमश उनके चाचा और चाची हैं। रेखा की मां ने बाद में मद्रास के एक सिनेमेटोग्राफर के प्रकाश से शादी की और उन्होंने कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर के पुष्पा बल्ली रख लिया। इस शादी से उनके 2 और बच्चे हुए, धनलक्ष्मी जिन्होंने बाद में अभिनेता तेज सुप्रू से शादी की, और नृतिकी सेशु जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जब रेखा की मां अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त थी तब वो अपनी दादी के साथ रहती थी। रेखा ने कभी अपने नाम के पीछे अपना सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पिता ने कभी उनकी माँ को पत्नी का दर्जा नहीं दिया।
इतना ही नहीं, उनके पिता ने कभी रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया और वो हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहीं। चलिए अब एक नजर डालते हैं रेखा की निजी जिंदगी की ओर। तो उन्होंने सन 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। उनकी कोई संतान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश रेखा के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने कई बार रेखा से मिलने की कोशिश की, लेकिन रेखा उन्हें हमेशा टालती रही। एक समय पर अपनी निजी जिंदगी में हुए धोखों के कारण उन्हें एक हमसफर की जरूरत थी। इसके बाद उन्होंने मुकेश का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम लिया। उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन रेखा के जीवन में ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए ही थी। शादी के 3 महीने बाद रेखा को पता चला कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं और शादी से पहले ही उनका इलाज चल रहा है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। और दोनों के बीच इन दूरियों की वजह से रेखा की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रेखा के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उस दौरान रेखा एक फिल्म के सिलसिले में भारत से बाहर गई थी और जैसे ही उन्हें इस खबर का पता चला वो तुरंत भारत वापस लौट आईं। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर एक बुरी पत्नी और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाया और मुकेश की मौत का जिम्मेदार उन्हें ठहराया। इस वजह से रेखा को अपने प्रशंसकों और परिवारजनों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी और खुद को कभी अभिनय से और अपने काम से दूर नहीं होने दिया और लगातार काम करती रही। परिणाम स्वरूप रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। भले ही फिल्मों में अब काम नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें अपने बेहतरीन लुक और अभिनय के लिए आज भी याद किया जाता है। जब रेखा अपनी निजी जिंदगी में मिले प्यार के धोखे और दुखों से गुजर रही थी, तो इस वक्त उनकी हेयर स्टाइलिस्ट से सेक्रेटरी बनी फरजाना ही उनके साथ रही। इतना ही नहीं, फरजाना और रेखा कई सालों से साथ साथ हैं। उन्हें रेखा के साथ अक्सर पार्टियों, इवेंट्स, अवार्ड शो, यहां तक कि संसद में भी देखा जाता है। बता दें कि फरजाना का पहनावा और चेहरा पुरुषों जैसा है, ज्यादातर वे सफेद कपड़ों में ही दिखाई देती हैं। दोनों की तस्वीरों को ध्यान से देखा जाए तो साफ हो जाएगा कि बरसों पहले भी दोनों साथ साथ देखे जाते थे और आज भी वे दो शरीर और एक आत्मा के रूप में दिखाई देते हैं। यूं तो रेखा फरजाना को अपनी सोल सिस्टर कहती हैं, लेकिन फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप की बुक यूरेखा में इस लेडी के साथ रेखा के सेक्सुअल संबंधों का दावा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस किताब के मुताबिक रेखा के सेक्सुअल संबंध उनकी सेक्रेटरी फरजाना से बताए गए हैं। इतना ही नहीं, रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के जवाबदार भी फरजाना को ही माना गया है, लेकिन इस बात में कितना सच है ये तो रेखा ही जानती हैं। रेखा की निजी जिंदगी कैसी भी रही हो, लेकिन सच यही है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखा है और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया है। उनके लिए बॉलीवुड में हर किसी के दिल में अदब और सम्मान की भावना है। वो सदैव हम सब के दिलों की पहली पसंद रहेंगी। इन दिनों वो मुंबई में एक बड़े से बंगलों में अकेली रहती हैं और आज भी काफी स्टाइलिश और लग्जरी जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो, आज की ये जानकारी और रेखा जी की जीवनी पसंद आई होगी। तो आप रेखा जी की इस दर्द भरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।